गाइस ये देखिए, मम्मी पालक निकाल के लेके आ गई है क्योंकि आज रामनगर जाना है। तो देखिए कितना सारा पालक है ये। और मैंने आपको बताया था कि पालक हमारा काफ़ी मात्रा में हो जाता है, हम काफ़ी लोगों को भी देते हैं और बेचते तो खैर नहीं है, कई बार बोला भी है बेचने का, मगर नहीं बेचते हम क्योंकि देना पसंद करते हैं। क्या है कि क्या बेचना है, या तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो ठीक है अपने खाने के लिए और लोगों को थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो गाइज़ ये वो पालक है जिसको हम पहाड़ी भाषा में पाइंग बोलते हैं। गाइज बहुत टेस्टी सब्जी होती है। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपका यूके भाई भी स्वस्थ है और मस्त है। तो गाइज सुबह के बज चुके हैं 10, आज फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और गाइज अभी मैं घर पे ही हूँ क्योंकि आज रामनगर को निकलना है, तो लंच के बाद निकलेंगे। फिलहाल मम्मी जी ने दो तीन छोटे मोटे काम दे दिए हैं। सबसे पहले ये लकड़ी फोड़नी है और उसके बाद फिर अपने नए वाले घर पे जाना है क्योंकि वहाँ पे रंग नहीं हुआ है अभी दरवाजों पे, तो वो भी देखना है कि कौन सा उसमें रंग लगेगा। और उसके बाद फिर छोटा मोटा एक दो काम और है, फिर लंच करके निकलेंगे। तो गाइस बने रहिए आज के इस ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं आज थोड़ा सा अपने गांव का कुछ लोकेलिटी, तो बने रहिए गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बसूला होता है, बहन जिसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो इससे फोड़ा जाता है लकड़ी को और इस तरह के पतले पतले बनाए जाएंगे जैसे मैंने बनाए हैं। और इससे आग बहुत जल्दी लगती है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइस प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने जलाई और देखना कितनी जल्दी से आग लगेगी इस पर। ये देखिए गाइस और कितनी कितनी जल्दी से आग लग गई है देखिए। मतलब क्योंकि इस पर क्या होता है लिसा लिसा, मतलब जो जिस पर चिपकन होता है ना, जो चिपकता है लिसा भी बहुत महंगा बिकता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं गाइस इतनी इतनी जल्दी आग जल गई है इससे। बड़ी से बड़ी लकड़ी कितनी मोटी हो और इसको बस एक पत्ती से लकड़ी दो लगा दो, तो हम जब भी चूल्हे में खाना बनाते हैं तो हम इसको यूज़ करके दो दो लकड़ी ऐसे लगाते हैं और जिससे कि जल्दी से आग लग जाती है। तो ये है वो छिलुक, अब इसको फोड़ते हैं गाइस। मुझे तो गाँव में रहना बहुत पसंद है और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई छोटा मोटा रोज़गार सभी लोगों को मिले और जिससे कि हमारा जो उत्तराखंड का जो युवा है वो बाहर ना जाए, यहीं कुछ ना कुछ करे। तो गाइज़ अगर आपको भी अगर पहाड़ में रहना पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेटा मेरा बेटा भी मेरे को देख देख के देखो कैसे कर रहा है। चिराग हाय करो, हाय करो, हाय। तो बस थोड़ी लकड़ियाँ रह गई हैं और फिर गाइज़ आज जो लंच में जो बनेगा ना वो अपना पहाड़ी कप बनेगा। ये देखिए ये वही जो पालक है जो इसको मैं पाइंग बता रहा था। ये पत्ते तोड़ के गला दिए गए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देर नहीं गलाने होते, थोड़ी सी देर ही गलाने होते हैं। और उसके बाद अभी मेरे हाथ गंदे हैं, मैं इसको दिखाता हूँ आपको नीचे से। तो उसके बाद क्या होता है गाइस, इसको ना सिलबट्टे में, हम मिक्सी में नहीं करेंगे इसको, सिलबट्टे में इसको पीसेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको हम सिलबट्टे में ऐसे पीस के फिर अच्छे से इसको मतलब थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। और उसके बाद फिर इसमें हम करेंगे लहसुन के पत्तों का यूज़, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें डालेंगे जखिया, क्योंकि जखिया बहुत ही टेस्टी होता है। और गाइस देखिए गाय ना बहुत वैं वैं कर रही है, मतलब क्योंकि ना ये चरने जाती होगी जंगलों में ना इसको चराने के लिए। आज ये दो तीन दिनों से घर में ही है तो इसको आदत वहाँ की ही पड़ गई है। और मम्मी अभी लेके जा नहीं पा रही क्योंकि कुछ काम चल रहा है, तो मम्मी ने थोड़ी देर इसके मुंह पे ये लगा दी है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे से फाड़ भी दिया है जिससे कि ऑक्सीजन इसको प्रॉपर मिलती रहे। वो मैंने ही फाड़ा था, ये देखिए नीचे से तो थोड़ा सा कम चिल्ला रही है, वरना बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आपने कई वीडियो में देखा भी होगा। और ये वही खेत है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था गाइस। ये देखिए इसी पालक को तोड़ा गया है, ये जो पाइंग है ना इसी को तोड़ा गया है। ये देखिए बहुत ही गाइस बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्जी। अभी आप वैसे भी खा सकते हो सूखी भी, और इसका जो काप, जो पहाड़ी काप जिसको बोलते हैं, काप इन द सेंस मतलब उसको सिलबट्टे में पीस के एकदम जैसे हम उसमें डालते हैं अपना पालक पनीर में जो यूज़ करते हैं, सेम वही रेसिपी रहती है। बस उसमें पनीर हटा दो, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा और टेस्ट भी। और ये है वो लहसुन की कलियाँ जो अभी डाली जाएगी। तो गाइज़ अब मैं जल्दी से, थोड़ी सी लकड़ी रह गई है, इनको फोड़ लेता हूँ और फिर मैं चलता हूँ अपने नए वाले घर पर। तो फिर उसके बाद फिर लंच का जो प्रोसेस है वो भी आके, अभी उमा भी कहीं घास लेने गई है तो वो भी आ जाएगी, फिर लंच का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लकड़ी तो फोड़ दी है और छिलुक भी फोड़ दिए हैं और अब चलते हैं अपने
नए घर की तरफ। गाइस ये गांव की सबसे बड़ी बाखली हुआ करती थी, मगर आज कारणवश यहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। एक ही राज का घर है, अपना राजू भाई, जिसका खुद का एक ब्लॉग भी है, चैनल है, तो ये उनका घर है। और राजू पहाड़ी 1985 उनका यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, राजू पहाड़ी 1985। बहुत कॉमेडी टाइप के और ब्लॉगिंग मतलब ट्रैवलिंग ब्लॉग ये सारी चीज़ बनाते हैं वो। इस बाखे की अगर बात करूँ गाइस, तो एक टाइम था कि हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, जहाँ पे गाय बंधी हुई है और कपड़े की बॉल से, और ये जो दीवार है यहाँ पे चौका छक्का रखा जाता था, तो इतनी भीड़ हो जाती थी यहाँ पे खेलने वालों की, बच्चों की। सुबह 9 बजे का स्कूल हुआ करता था, मगर हम यहाँ पे आके 7 बजे से ही खेलने लग जाते थे, फिर नहा धो के फिर स्कूल जाते थे। तो मतलब बहुत ही क्रेज़ था उस ज़माने में यहाँ पे, उस टाइम पे यहाँ पे खेलने का। मगर आज देखिए इस बाखली में लगभग एक ही घर है, मतलब लोग रहते हैं यहाँ पे, बाकी सब सुन हो गया है। तो गाइज़ ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे गांव को धीरे धीरे जो खाली हो रहे हैं, क्योंकि रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से पलायन होता जा रहा है। और आज की डेट में ये कंडीशन हो गई कि लोग गांव में रहना पसंद ही नहीं कर रहे, क्योंकि ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, और बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा, और ऊपर से महंगाई। तो गाइज़ मैं तो बस यही चाहता हूँ कि कैसे भी करके वो दिन वापस आ जाए, वो खुशहाली वापस आ जाए, और हमें जो यहाँ से हमारे लोग जा रहे हैं वो कैसे भी करके धीरे 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 काम उनको यहाँ पे मिल जाए। और अब गाइज जिसका मुझे 3 महीने के बाद दर्शन हो रहे हैं, वो है ये हमारा नया घर, ये है। देखिए गाइज, गाइज घर कैसा है बताइएगा ज़रूर। और ये दरवाज़ा टूट गया है, क्या है कि बच्चे झूला वूला खेल देते हैं इस पर, टूट गया है, अब इसको वेल्ड कराना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे तो थोड़ा सा करते हैं इस टाइप की हरकतें। वैसे यहाँ बंदर बहुत आते हैं। और चिराग बेटा आप नीचे उतरो, आप गाइज ये है अपना नया घर, ये देखिए। चूना तो कर चुके हैं हम, मगर मैंने अभी इस पर दरवाजों पे पेंट नहीं करा था, क्योंकि थोड़ा सा बजट डगमगा गया था उस समय, और अब जाके मैं थोड़ा सा इसको करूँगा। अभी वही मैं सोच रहा हूँ इस पर कौन सा कलर करा जाए। गाइज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा कलर करा जाए। तो वैसे मैं तो चाह रहा था कि मैट वुडन, जो जो जिस जो लकड़ी जो एक्चुअल उसका जो नेचुरल कलर है उसी का ही एक कलर आता है वुडन टाइप का, तो वो करा जाए। और इस तरफ हमारा खेत, ये देखिए यहाँ पे भी हमारी बहुत मेथी उड़ के हैं, और ये हमारा एक माल्टे का पेड़। मैं इसकी लॉपिंग करता रहता हूँ हमेशा, क्योंकि वरना नीचे से अगर लॉपिंग नहीं करोगे, काटोगे नहीं, तो ये फिर मतलब नीचे ही नीचे बड़ा रहेगा, ऊपर ज़्यादा जाएगा ना, हाइट काफ़ी बढ़ेगी नहीं। तो मैं इसकी लॉपिंग करता रहता हूँ जब भी आता हूँ। और मम्मी के काम करो, अच्छा। तो यहाँ पे मम्मी कह रही है खंभा घेटना है, क्योंकि वो ये जानवर चले जाते हैं उस तरफ, बंदर वगैरह कुत्ते वगैरह, तो उसके लिए एक वहाँ पे एक खंभा गाड़ना है, तो वो भी कर लेते हैं। चिराग हाय करो, फिर से हाय कर दो एक बार, हाय करो, फिर से हाय करो। अरे गंदू हो गया गंदू, चलो आ जाओ इधर आ जाओ। गाइस ये देखिए, ये अपना किचन है, और ये मैं नैनीताल से बना के लाया था, असवाल हाउस। हम असवाल लोग हैं, तो ये मैं असवाल हाउस करके बना के लेके आया था नैनीताल से। और ये मम्मी कह रही थी कि इस पे दरवाजों पे वो लग रही है, कीड़े लग रहे हैं, तो देखता हूँ। हाँ कीड़े तो लग रहे हैं गाइस, ये देखिए, क्योंकि पेंट हुआ नहीं काफ़ी टाइम से, तो इसको जल्दी से पेंट कर लेना चाहिए, वरना काफ़ी महंगा दरवाज़ा है गाइज ये, मतलब लोग प्लेन्स में ऐसा लगाते हैं, मेरे को बस थोड़ा सा शौक है अच्छी चीज़ लगाने का, तो मैंने ये यहाँ लगा दिया, मगर गलती ये करी कि मैंने उसी समय इसको पॉलिश करवा लेना चाहिए था, बट उस समय थोड़ा सा कंडीशन नहीं थी पॉलिश कराने की लायक। अब कराते हैं और अंदर भी दिखाते हैं आपको, अभी खोल के बढ़ते हैं अंदर की ओर।
ये गांव में थोड़ा सा मक्खियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, और क्योंकि बच्चा है घर में तो मक्खियाँ तो होनी है वैसे भी, तो मैंने इसको जाली वाला गेट बनाया था। क्या है, बस थोड़ी सी इसमें दरार आ गई है, वो भी ठीक करा लेंगे। मैंने उससे बात करी थी दरवाजे वाले भाई से, कह रहे थे कोई बात नहीं है चेंज हो जाएगा। और बाकी ये है फर्स्ट रूम, और यहाँ पे अभी एक ही बार इसके अंदर ये हुआ है डिस्टेंबर, तो देखिए वाइट वाइट होने लग गया है। शायद एक दो बता रहे थे लोग कि एक दो कोट, नए नए घर में ऐसे होता है, एक दो कोट के बाद फिर वो ठीक हो जाता है। और वो है मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, और मेरी सिस्टर, और मेरे हमारे जवाई। ये देखिए गाइस, ये मेरे पापा, मेरी मम्मी, और जो लेफ्ट में है मेरे बड़े भाई, और बीच में मैं भोंदू सा, और एक मेरी सिस्टर। देखिए, और ये ऐसी ट्रॉफियाँ मतलब काफ़ी हैं वो उस घर में हैं, मैन ऑफ द मैच वगैरह, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रॉफियाँ हैं, क्योंकि मैच का काफ़ी शौकीन रहा मैं भी। फिलहाल अभी तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं खेल रहा हूँ। और एक अब चलते हैं अंदर वाले कमरे में। जय हो, ये हमारा मंदिर, और ये थोड़ा सेलन भी आने लग गई ऊपर से, क्योंकि शायद नए नए घरों में आती है, बताते हैं। तो देखिए डुम डुम। तो ऐसे ही छोटा सा घर बनाया है, और गाइस देखिए मैं फ़ोन से ही शूट करता हूँ, कुछ और कुछ नहीं, बस इसी से ही। ये वीवो का फ़ोन है, और अब दिखाते हैं आपको किचन। किचन में गाइस मेरे को मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना मैं जब मैंने ये बताया था तो उसको आइडिया मैंने दिया था, तो मगर ये बना उसने छोटा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिज भी नहीं आ सकता, छोटा बना दिया। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरी स्लैब जो है ना, ये बहुत ऊपर बना दिया, देखो यहाँ कौन पहुँच रहा है ना, तो या तो स्टूल लगा के डालना पड़ेगा। चलो ये तो ठीक है बर्तन रखने के लिए, ये बहुत काफ़ी ऊपर बना दिया है। चलिए जो बन गया तो बन गया, अब क्या कर सकते हैं। और इस तरफ लेटरिंग, उस तरफ बाथरूम। तो गाइस बहुत टाइम के बाद आज घर का काम करने को मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस करते हुए। वैसे करते रहना चाहिए, मगर क्या करें आजकल थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह से कर नहीं पाता। और जैसे पहले तो बहुत करा करते थे, और अब उमा देवी भी आ गई है, तो अब जो हमारा पहाड़ी कप है उसकी तैयारी भी करते हैं बनाने की, लंच की, क्योंकि फिर वापस रामनगर भी जाना है आज। तो गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में, कट कर दो। अब इसको ऐसे पीसा जा रहा है, क्योंकि कम से कम हमने 50% इसको उबाल दिया था, और अब इसको 30% इसको और इसको बारीक कर देंगे, एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बारीक करने से फिर उसका स्वाद जो है ना थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। और इसमें लहसुन की कलियाँ भी साथ में देख सकते हैं आप, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, और इसको खोलना थोड़ा सा। अब हम इसमें जखी का तड़का डालेंगे, ये देखिए ये डाल दिया जखी का तड़का, और इसमें अब डालेंगे प्याज, ये देखिए, और थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ भी डालेंगे, वो लेके आते हैं। ये देखिए गाइस, जब खाना होता है तभी तोड़ के लेके आते हैं। ये देखिए मैं तोड़ रहा हूँ, और ये दो, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो ये दो काफ़ी हैं, इससे क्या है थोड़ा सा टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और गाइस अब हम डाल रहे हैं इसमें लहसुन की कलियाँ, ये देखिए जो पत्ते हैं, और इसको थोड़ा भून लेंगे हल्का सा, बस इसको थोड़ा सा कलर जैसे गोल्डन टाइप का हो जाए, बस इतना ही इसको भूनना है। अब देख सकते हैं, वैसे तो गाइस दिन में हम बाहर ही बनाते हैं, मगर अभी बारिश आ गई है जिसकी वजह से फिर अंदर बनाना पड़ रहा है। और बस अब 2 मिनट के बाद हम इसमें जो हमने ये मटेरियल रेडी करके रखा हुआ है इसको हम इसमें फिर डाल देंगे। ये देखिए, ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो गाइस बहुत टेस्टी होता है गाइस।
और मुझे ज़्यादातर पहाड़ की जो भी ये ऑथेंटिक सब्जियाँ होती हैं, दाल होती हैं, ये सारी यही पसंद है। और आप देख सकते हैं इधर प्याज रेडी हो गया है बिल्कुल। देखिए गाइस, प्याज बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, मतलब हल्का क्रिस्पी टाइप का। अब इसको इसमें डालने की बारी आ गई है। ये देखिए, ये ही जो मेन तड़का है गाइस, ये देखिए। और अगर इसमें आप थोड़ा सा और टेस्ट ऐड करना चाहते हो तो एक चम्मच देसी घी आप डाल सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा ये काफ़ी थिक है तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम। गाइस, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है हमने और अब इसकी थिकनेस थोड़ा कम हो जाएगी। तो गाइस, ये है हमारी पहाड़ी कप जो कि पाइंग का बनता है, पालक का। और आप भी ट्राई करें घर में इस तरीके से गाइस, बहुत टेस्टी बनता है। और जिसमें जो जखिया हमने जो जखिया का तड़का डाल रखा है वो इसमें सच में एक जान सी फूंक देता है। तो अब इसको पकने देते हैं एक दो उबाल। फाइनली अब सर्व करने की बारी आ गई है। अब इसको फटाक से टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा बना ये। देखिए, और बाहर का ये मौसम, ओए होए होए होए, क्या बात है। जाने देगा रामनगर, पता नहीं, चलिए देखते हैं। तो गाइस, मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा बना ये। गाइस, मेरे को तो अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? मम्मी कैसा लगा? बढ़िया हो रहा है। उमा कैसा लग रहा है? तो गाइस, सबको अच्छा लगा। और चिराग से भी पूछते हैं, मगर चिराग भी रो रहा है क्योंकि सो को उठा है। तो गाइस, मैं इसको फटाफट फिनिश कर लेता हूँ। अमेजिंग गाइस। और मुझे तो वैसे भी पहाड़ की कोई भी चीज़ें बहुत पसंद है। तो गाइस, जल्दी मिलता हूँ फिनिश करके। तो गाइस, बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और शाम के 4 बज गए हैं और देखिए बारिश अभी भी चली रही है। और आज तो गाइस हद ही हो गई, बादल इतने ज़ोर से गरज रहे हैं मानो कि बिजली गिर जाएगी। और घर वालों ने भी बोला कि भैया बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे हैं तो आज आप कैंसिल ही कर दो, कल सुबह जाना। और देखिए सामने वाले गाँव में देखो कितना ज़्यादा फॉग लग चुका है। और शाम के बज गए हैं 4। अब उमा देवी, आप ज़रा गुड़ वाली चाय बनाएं तो गर्मा गर्म उसकी चुस्की लेते हैं। और गाइस, अंदर भी इतना ज़्यादा पानी आ चुका है कि मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए गाइस, अंदर भी पानी आने लग गया है घर के। ये देखिए इतनी बारिश हो गई है। और जहाँ पापा जी सोए हैं वहाँ पे भी पानी आ रहा है। ये है और साथ में गुड़ भी आ गया है। और अब इसका मज़ा लेते हैं और आप भी इस ठंड का मज़ा लीजिए और साथ में चाय पकौड़ी कुछ भी आप भी लीजिए। तो फिर मिलता हूँ मैं चाय के बाद, तब तक बने रहिए इस ब्लॉक में। सो गाइस, कितनी ठंड में इस चाय और गुड़ का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। तो गर्मा गर्म चाय और साथ में पहाड़ी स्टाइल में हम जो गुड़ ऐसे खाते हैं तो बहुत शानदार लगता है। और क्या गाइस, क्या है कि थोड़ा सा बारिश कम होते ही मैं नीचे रोड में जाऊंगा, वहाँ पे जरा वीडियो शूट करना है। तब तक आप भी इस ठंड का मज़ा लीजिए और चाय, अभी गुड़ वाली चाय लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है चाय में, चाय के साथ ये गुड़। और स्पेशली जब बारिश हो रही हो और पकौड़े कुछ बना सकते हैं आप भी। तो गाइस, मिलता हूँ फिर मैं आपको जल्दी ही। पकौड़ियों के लिए बेसन कम है। तो गाइस, मैं आ गया हूँ आप नीचे रोड पे। और आज का इस जो ब्लॉग शूट हुआ है सारा ही मेरे गांव में ही हुआ है। तो
अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस यूके भाई को ढेर सारा प्यार यूं ही देते रहें। तो गाइज़ फिर मुलाकात होती है कल किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।